देवरिया जिले में सीएम कार्यालय के बाबू का घूस लेते वीडियो हो रहा है वायरल, जिसमें बाबू बोल रहा है कि क्या है, कितना ऑपरेटर है जो 1000 रुपये दे रही है, रखो नहीं जानती हो तो जान लो, सारा क्लेम निकालने के लिए 10,000 फीस लगती, जो सिस्टम है उसमें हमें अधिकारी को देना पड़ता है, हम अपने पॉकेट में थोड़ी रख लेंगे, हमारी औकात है अकेले लेने की, हिसाब देना होता है, जिस दिन पूरा लेकर आना उसी दिन काम करा देंगे, दूसरे के कहने पर लोड करने वाले ऑपरेटर को तुमने 1000 रुपये दे दिया, हम उसे 500 रुपये ही देते हैं। जो वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, इसका वीडियो वायरल हो रहा है, वायरल वीडियो में सीएमओ दफ्तर का एक बाबू स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त है एक कर्मचारी उसके परिजनों से यह बात कर रहा है। दरअसल वीडियो में एक युवक और एक महिला बाबू को 500-500 के दो नोट दे रहे हैं, इस पर बाबू झल्लाते हुए कहता है कि ऑपरेटर थोड़े हैं कि 1000 रुपये दे रहे हो, साथ ही पैसा वापस करने लगता है। इस दौरान वह कहता है और है जो सिस्टम है उसमें अधिकारी को भी देना होता है, कुल फीस 10,000 बताता है, 7 ही रुपये खर्च हो जाएंगे, यह कहकर 1000 रुपये लेने से इनकार करते हुए वीडियो में दिख रहा है। आगे कहता है कि जब पूरा पैसा लेकर आना तो कागज़ तैयार कर देंगे। महिला कहती है कि फ़ोन कर पर बताए होते तो उतना लेकर आते, वह इस मामले में कोई जिम्मेदार अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। देखना अब ये है कि ऐसे बाबू और जिन अधिकारियों को पैसे देने की बात बाबू कर रहा है उन पर कब कार्रवाई होती है।